नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सब जान ही चुके होंगे। आज का मेरा टॉपिक स्वीट पोटैटो वाइन पर है। आज मैं इसी को कवर करूंगी और इस प्लांट पर एक छोटी सी केयर डिटेल आपको देने वाली हूँ। ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है, ये जो है ये समर्स का प्लांट होता है। और इस ये जो आपके सामने है, ये इसमें लीव्स का कलर, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, इसमें लीव्स का जो कलर है पर्पल है। इसमें बड़ी डिफरेंट वेराइटीज़ जो होती हैं वो हमारी नर्सरीज में अवेलेबल है। इसमें ग्रीन वेराइटीज़ भी होती है, जिसमें डिफरेंट लीव्स का शेप भी बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसकी लीव्स जो है वो ट्रेल करती है, बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसी स्वीट पोटैटो वाइन पर। तो फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो वाइन का जो बेस्ट जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर्स होता है, या कह लीजिए कि जो स्प्रिंग सीजन जो होता है, इस स्प्रिंग सीजन से लेके हमारा विंटर तक इसकी जो ग्रोथ होती है, ये जो प्लांट है बड़ा ही अच्छे से वेल ग्रो करता है। और बड़ी ज़्यादा सर्दियाँ हो जाने पर इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, अदरवाइज़ ये सारा साल हमारे गार्डन में बना रहता है ये प्लांट जो है। और ये जो प्लांट है, ये जैसे कि हम सब हमेशा कहते हैं कि हमारे समर्स में फ्लावर की काफ़ी कमी हो जाती है, तब ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये हमारे गार्डन में कलर्स ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसको डिफरेंट वेज में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग में ग्रो कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी लैंडस्केपिंग करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं। और इसकी ये बड़ा लो मेंटेनेंस, बड़ा ही हार्डी प्लांट है। और चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स की। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रो करने के लिए इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो थोड़ा सा वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल ड्रेन यानी कि एक हिस्सा इसका बालू मिट्टी होना चाहिए और उसमें कोकोपीट, और कोकोपीट के साथ साथ जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है आप उसमें उसको दे दीजिए, चाहे वो कॉ मैन्योर है, चाहे वो वर्मी कंपोज है, और अगर लीव कंपोज है वो सबसे बेस्ट है। तो इसके जो पॉटिंग मिक्स है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी इसमें रुकना नहीं चाहिए। ये तो होगी फ्रेंड्स इसके पॉटिंग मिक्स की बात। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी लोकेशन की। फ्रेंड्स, तो लोकेशन जो है फ्रेंड्स, इसको जो इनडायरेक्ट सनलाइट बड़ी पसंद है, या कह लीजिए कि इसको ह्यूमिड जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा पसंद होता है। ये प्लांट्स के बीच में आप इसको ग्रो करिए, ये बड़ा ही इंजॉय करेगा प्लांट, और बड़े ही अच्छे से इसके ये जो लीव्स हैं इसमें कलर्स बड़े अच्छे अच्छे से आपको ये देगा। लेकिन बड़े ज़्यादा इनडोर जाके आप कभी भी इस प्लांट को मत प्लेस करिए। हाँ, वहाँ आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर मॉर्निंग की जो जो धूप होती है वो इस प्लांट के लिए बड़ी अच्छी होती है। और बड़ी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखने की गलती कभी मत करिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो खासकर फेडेड हो जाएंगी। लीव्स फेडेड होने से ये प्लांट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे कुछ जो प्लांट थे जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए थे तो वो उनकी जो लीव्स थी वो थोड़ी सी फेडेड हो चुकी हुई थी। तो इसलिए इस प्लांट को जब भी प्लेस करिए, इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर आती है वहाँ पर आप इसको प्लेस कर दीजिए। और बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्रोपोगेशन की। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया, इसको आप डिफरेंट वेज में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप चाहे तो ये हैंगिंग में है ये मैंने ग्रो करा, आप चाहे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोपोगेशन है फ्रेंड्स वो बड़े ही ईजी, आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग है, आप चाहे तो सॉइल में डाल दीजिए, बड़े ही ईजी, चाहे आप इसको कोकोपीट में डाल दीजिए, बड़े ही ईजी टू 1 वीक में ही ये अपनी रूटिंग ले लेता है और बड़ा ही ईजी टू ग्रो। आप चाहे इतनी सी थोड़ी सी ये कटिंग ऐसे कट करिए, आप इसको वाटर में किसी भी कांच के किसी भी कंटेनर में आप इसको डाल दीजिए, तो ये बड़े ही अच्छे वाटर में भी ये बड़े अच्छे से ये ग्रो करता है। और वो जो कंटेनर होगा आप इसको किसी भी विंडो साइड एरिया में आप इसको रख दीजिए, तो बड़े ही ब्यूटीफुल, बड़े ही डिफरेंट वेज में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग के लिए हमेशा एक ही रूल अप्लाई होता है कि वाटरिंग कभी भी किसी प्लांट को ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप वाटरिंग करें तो इसकी जो सॉइल को चेक करके वाटरिंग करिए। ये तो मैं बात कर रही हूँ कि विंटर्स में इसकी सॉइल को चेक करना चाहिए, अदरवाइज़ गर्मियों में तो हमारे पॉट रोज़ ही ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमें तो इनको गर्मियों में तो रोज़ ही मैं वाटरिंग करती हूँ और कभी बड़ी ज़्यादा मिट्टी इनकी बड़ी ड्राई नहीं होने देती हूँ। गर्मियों में मैं सुबह वाटर डालती हूँ, शाम तो वैसे ही इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती है।
लेकिन फिर भी इसकी सॉइल को हमेशा चेक करके ही वाटरिंग इसको करना चाहिए। बड़ी हरदम इसकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो दलदली नहीं होनी चाहिए, हरदम मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए। तो वाटरिंग जो है वो हमेशा चेक करके करिए। और रेनी सीजन में इस प्लांट का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बड़ा ज़्यादा इसमें वाटरिंग ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो है खराब नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ जहाँ बड़े अच्छे से होती है, वहीं पर इसको इसमें पेस्ट अटैक भी देखे गए हैं। इसमें लीव्स इसके पेस्ट अटैक होने से पहले ही आप टाइम टू टाइम उसका निवारण कीजिए, ताकि ये जो प्लांट है वो सालों साल आपके पास बना रहे। तो आप उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे वाटर में डिल्यूट करके थोड़े से सोपी वाटर में आप इसको नीम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, और टाइम टू टाइम 10 to 15 days के डेज में आप अंतराल में आप इसको इस पर स्प्रे कीजिए, तो ये प्लांट बड़े अच्छे से रहेगा, कोई भी पेस्ट अटैक इसमें नहीं होगा, बड़े अच्छे से ट्रेल करता हुआ ये प्लांट बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी मैंने जो केयर डिटेल आपको दी है स्वीट पोटैटो वाइन पर आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।